सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि इस बार मेरी मुख्यमंत्री बनने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। जी हां, लेकिन मुझ पर दबाव डाला गया तो मैंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, किसी को भी बना दिया जाए मुख्यमंत्री, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पद पर बने रहने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। जी हां, आपको ध्यान दिला दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रचार के दौरान एक बार नीतीश कुमार ने एक जनसभा में यह भी कहा था कि यह मेरी आखिरी चुनाव है। जी हां, उस वक्त भी राजनीति में उनके मोह भंग की झलक मिली थी। इस बार के बयान को भी जनता इसी रूप में देख रही है। हालांकि इस बार के बयान के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार के बयान पर हमला बोला है। जी हां, नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश कुमार नाटक कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार को कोई जबरन सीएम क्यों बनाएगा। 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, लेकिन बाद में खुद सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सीएम भाजपा के अपमान से दुखी है। इस बार मेडिट बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के पक्ष में दिया था, नीतीश जबरन सीएम बने हुए। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर जदयू ने भी सफाई दी है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश को नहीं है पद का कोई भी लालच। जी हां, जनता की इच्छा पर फिर से सीएम बने हैं। जनता की भावनाओं का नीतीश कुमार ने इस बार सम्मान किया है। आपको याद दिला दे कि आज जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद के 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। जी हां, बैठक में राज्यसभा में जदयू संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव दिया था। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से। सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।